तो आज हम लोग 11th टॉपिक का फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे फ्रेंड हम लोग पढ़े थे 9th 10th में भी पढ़े होंगे, मैटर मैटर को किस दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक फिजिकल बेसिस होता है और एक केमिकल बेसिस होता है। इसमें हम लोग कंपोजिशन देखते हैं और इसमें हम लोग स्टेट देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस मेरा फिगर में दिख रहा है, ये सॉलिड लिक्विड और गैस, ये क्या है? फिजिकल बेसिस पर मैटर को जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं वो है। जैसे सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होता है, क्लोज क्लोज एक दूसरे के रहते हैं, और लिक्विड में थोड़ा गैप रहता है, और गैसियस में और भी ज़्यादा स्पेस पर रहता है एक पार्टिकल एक दूसरे से, ठीक है। तो यही सब चीज़ इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि सॉलिड का क्या फीचर है, लिक्विड का क्या फीचर है, गैस का क्या फीचर है। ये सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो कुछ टॉपिक को हम लोग अभी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ताकि एक अच्छे स्टेज पर आकर के हम लोग जो भी कंपटीशन लेवल का टॉपिक है वो हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो एक एग्ज़ाम्पल अगर पूछ दिया जाए एग्जामिनेशन में, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। ड्राई आइस क्या है? सॉलिड CO2 है, ठीक है। ये बहुत बच्चे को पता भी होगा, जिनको नहीं पता होगा वो लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है मेरा केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। केमिकल कंपोजिशन के ऊपर मैटर को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक मेरा मिक्सचर होता है और दूसरा मेरा प्योर सब्सटेंस होता है, जैसे आप लोग यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं। एक मेरा प्योर सब्सटेंस है और दूसरा मेरा मिक्सचर है। मिक्सचर जो अगर हम बोलेंगे सही तरीके से, अगर मिक्सचर को डिफाइन किया जाए, तो ये हम लोग फिजिकल मेथड से इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, और प्योर सब्सटेंस को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड मतलब हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कन्फिग्यूरेशन, ये सब जो प्रोसेस हो गया वो मेरा फिजिकल मेथड्स का प्रोसेस हो गया, ठीक है। और अगर डिफिनेशन के तौर पर लिखा जाए तो मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, मोर देन टू या फिर मोर देन टू टाइप ऑफ सब्सटेंस, ये उतना एक्यूरेट नहीं है डिफिनेशन। यहाँ पर हम लोग देख जैसे लिखा हुआ है ये सही डिफिनेशन है, मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स एंड पॉसिबल वेरिएबल कंपोजिशन। एक और चीज़ मिक्सचर के लिए खास है, जो कि फिजिकल मेथड से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर के मिक्सचर बना हुआ होता है। अब मिक्सचर को भी हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक मेरा होमोजीनियस होता है और दूसरा मेरा हेट्रोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस, जैसा कि आप लोग को पता भी होगा, होमो मतलब क्या होता है, सेम मतलब एक ही तरीके का कंपोनेंट इसमें रहेगा होमोजीनियस मिक्सचर में। हेट्रोजीनियस में एक से ज़्यादा तरीके का कंपोनेंट रहेगा, मतलब दो या दो से ज़्यादा तरीके का कंपोनेंट रहेगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है। ओके, तो अगर आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं यहाँ पर, अगर एग्जांपल देखें तो शुगर सॉल्यूशन और फिर सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। जैसे शुगर में क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं, अगर शुगर अच्छे तरीके से मिक्स है तो किसी भी पोर्शन को अगर हम लोग यहाँ पर से निकाल करके देखेंगे तो उसमें उतना ही शुगर अवेलेबल होगा जितना किसी और अमाउंट को निकाल करके हम लोग देखेंगे। तो यूनिफॉर्मली इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है शुगर। ये क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया मेरा मिल्क, मिल्क में मिल्क को जैसे उसमें जो उसको सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, चीज़ निकालते हैं उससे, ठीक है। तो अलग अलग कंपोजिशन रहता है, उसी के कारण हम लोग सेपरेट कर पाते हैं, ठीक है। ओके, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक एग्जांपल हेट्रोजीनियस का पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, बहुत अगर इजी जैसे नीट सब में पूछ लिया जाता है, मेन सब में तो नहीं पूछा जाता है लेकिन नीट सब में पूछ लिया जाता है। तो एयर में क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। ओके, डिफरेंट कंपोजिशन ऑब्जर्व विथ नेगेटाइज और फिर माइक्रोस्कोप, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अभी हम लोग वैसा कोई खास टॉपिक पढ़े नहीं हैं, ठीक है। खास टॉपिक इसमें जो अगर होगा तो वो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन अब बहुत बच्चे का ये प्रॉब्लम होता है कि पूरा सिलेबस को कवर किया जाए, तो वो मैं कवर अप करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है, यहाँ पर नोट करने का कोई वैसा खास ज़रूरत
है नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ बेसिक है और आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ जानते होंगे। तो फिजिकल मेथड जो ऊपर मैंने डिस्कस किया, वो फिजिकल मेथड्स को हम लोगों ने लिख लिया है। ये आप लोग 10th से जो बच्चे अभी 11th में नए नए आए हैं, वो बच्चे तो जानते ही होंगे फिजिकल मेथड, ये सब फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, ये सब। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट मेरा मैटर का टाइप हो गया प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब जिसका फिक्स कंपोजिशन होगा और कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस जैसे मेरा कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या होता है? वाटर में क्या हो गया, इसका रेशियो मेरा फिक्स रहता है। वाटर में H2 रहेगा और फिर ऑक्सीजन 2। कहीं पर का भी वाटर का सैंपल अगर हम ले आएँ, चाहे सी हो या फिर पॉन्ड हो या लेक हो, कहीं पर का भी, हर हमेशा मेरा वाटर का जो सैंपल होगा उसमें H मेरा 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा, अगर नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर बात किया जाए। अगर वेट के बेसिस पर बात किया जाए तो 2 ग्राम मेरा 2 ग्राम मेरा हाइड्रोजन रहेगा और फिर 16 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा, 1:8 रेशियो में अकॉर्डिंग टू मास। अगर मास के रेशियो में बात किया जाए तो 1:8 रेशियो में रहेगा वाटर। ठीक है, ओके। तो फिजिकल प्योर सब्सटेंस का ये एलिमेंट्स जैसे हम लोग पढ़ते हैं, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, तो इसमें सिर्फ एक तरह का पार्टिकल रहता है, लेकिन अगर कंपाउंड रहेगा तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? और अगर 2 से ज़्यादा एलिमेंट रहता है तो फिर कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस हो गया? मिक्सचर में भी तो हम लोग यही पढ़े हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स रहेगा। एक ही डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर में, वो है कि मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर लेते हैं और कंपाउंड को हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा H2 हो गया, कंपाउंड का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसे H2 हो गया, H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मेरा मिल करके बना है। ऑक्सीजन क्या है मेरा? कंबसन को सपोर्ट करता है, और फिर H को भी अगर हाइड्रोजन को हम लोग बर्न करते हैं तो ये क्या होता है? पॉप साउंड से हम लोग का बर्न होता है हाइड्रोजन। ठीक है, वहीं अगर H2O का बात किया जाए तो H2O का तो यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, ओके, आग को बुझाने के लिए। तो फीचर क्या हो गया? बिल्कुल अलग हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फीचर एकदम अलग है और फिर H2O का फीचर अलग हो गया। जहाँ ऑक्सीजन का यूज़ होता है कंबसन को और तेज़ करने में, वहीं H2O का यूज़ होता है कंबसन को रिड्यूस करने में। तो यही मेरा कंपाउंड कंपाउंड का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो एलिमेंट का नेचर है उसको चेंज कर देता है। जैसे मेरा आयरन पायराइट हो गया, Fe, Fe H2। ठीक है, ये क्या हो गया? आयरन हो गया और फिर सल्फर हो गया। तो आयरन के अगर पास अगर हम लोग मैग्नेट ले जा करके रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आयरन पायराइट के बगल में हम लोग मैग्नेट रखेंगे तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा। किसी भी एंड पर अगर हम लोग Fe S2 जैसे हो गया, ठीक है, इस तरफ ले जा करके मैग्नेट रखें या फिर इस तरफ रखें तो किसी भी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। यही हमारा बताता है कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। जो भी फिजिकल मेथड से हम इसको अगर अलग करने का कोशिश भी कर रहे हैं, मैग्नेट ले जा करके या फिर किसी भी तरीके से, तो वो सेपरेट आउट नहीं हो पा रहा है। यही मेरा कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल आप लोग को थोड़ा याद रखना होगा इसमें, जैसे शुगर हो गया, NaCl हो गया, सॉल्ट, यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया O2, फिर H2O हो गया, H2O में वही फिर सॉल्ट हो गया और शुगर मॉलिक्यूल हो गया। ये सब क्या है? मेरा कंपाउंड है। इसमें रेशियो मेरा एलिमेंट सब का फिक्स रहता है, कंपोजिशन फिक्स रहता है, रैंडम नहीं रहता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वही जो हम लोग छू करके, किसी चीज़ को टच करके हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे मेरा
टेम्परेचर हो गया, कलर हो गया, देख करके पता कर सकते हैं, टेस्ट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सब मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ये सब बहुत बेसिक सा बात है, लेकिन बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जब बहुत ज़रूरी, जब इस चीज़ को एक्चुअली समझने का टाइम आता है, तब सुनने में बहुत आसान होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और, लेकिन सही तरीके से डिफाइन अगर करने बोला जाए तो बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब को हम लोग को सुनते हुए चलना है, यहाँ पर नोट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर भी नोट करने का ज़रूरत होगा मैं वहाँ पर बता दूँगा आप लोग को। ओके, अभी आप लोग अगर स्टार्टिंग में जो भी 10th से अभी 11th में बच्चे आए हैं उन लोग के लिए मैं बोलूँगा कि इसी तरीके से कोशिश कीजिए, कुछ 2 घंटा कम से कम केमिस्ट्री पढ़ दीजिए, तभी जा कर के आपका केमिस्ट्री अच्छा हो पाएगा। और केमिस्ट्री एक स्कोरिंग टॉपिक है, आप लोग को पूरा केमिस्ट्री सही तरीके से बस पढ़ते जाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा पढ़िए, बस एक फिक्स्ड आवर आप लोग डिसाइड कर लीजिए कितना आवर आपको केमिस्ट्री के ऊपर देना है। और केमिस्ट्री ये धोखेबाज टॉपिक नहीं है, ये आप लोग का हर हमेशा मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स आपका इंक्रीज ही करेगा। अगर आप जेईई मेंस दे रहे हैं या फिर नीट दे रहे हैं या फिर कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका मार्क्स हमेशा एडअप ही करेगा। केमिस्ट्री जब मार्क्स आता है एक्चुअली, तब बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मेहनत मैंने फिजिक्स में ज़्यादा किया था और फिर केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर हो गया। तो इसलिए मैं अभी भी बोलूँगा कि केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि पेपर अगर टफ भी आ रहा है तो फिर केमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग से टफ भी अगर आया तो फिर आपसे सॉल्व हो जाएगा। हाँ, फिजिकल में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आपका बन ही जाएगा केमिस्ट्री में। वहीं अगर फिजिक्स और मैथ या फिर फिजिक्स और मैथ ये अगर आपका टफ आ गया तो फिर आपका रैंक इधर से उधर बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, केमिस्ट्री आपका रैंक को बांध करके रखेगा। अगर कोई आपका फिजिक्स ख़राब चला गया या फिर मैथ चला गया तो केमिस्ट्री एक रहेगा कि उम्मीद रहेगा कि हाँ केमिस्ट्री मेरा अच्छा गया तो रैंक मेरा बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरने देगा। ठीक है, इसलिए केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस आप लोग को करना पड़ेगा अभी से ही। बस सारा टॉपिक आप लोग को कवर करना है, मैं अभी ही आप लोग को बोल दूंगा कम से कम 4 बार आप लोग को रिवीजन करना ही होगा। ठीक है, इससे कम में नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल आने लगा है। और फिर अगर आपका टॉपिक पे अच्छा तरीके से पकड़ होगा तभी आप जा करके पता कर पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है आपका। बहुत बच्चा यही कन्फ्यूजन में रह जाता है एग्जामिनेशन हॉल में कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो वो सब चीज़ आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा जब आप लोग रिवीजन अच्छे तरीके से कर लेंगे। कम से कम 4 बार रिवीजन आप लोग को करना है। यहाँ पर मैं पूरे अच्छे तरीके से कोशिश करता हूँ नोट्स बनाने का, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ फालतू का आप लोग को कोई मेहनत नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत होगा अगर आपका मन है तो नोट बना लीजिए, नहीं तो फिर वीडियो बार बार देखिए जिससे कि टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। दिक्कत यह है कि फर्स्ट टाइम में हम लोग को इजी लगता है कोई भी चीज़, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने का बारी आता है या फिर एग्जामिनेशन हॉल में वो चीज़ अप्लाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग को बार बार पढ़ना पड़ेगा। चीज़ बहुत ही सब्जेक्ट बहुत ही ईजी है, लेकिन हम लोग को बार बार रिविज़न करना होगा ताकि एक अच्छे तरीके से एक एग्जामिनेशन हॉल में एक अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, 80% कम से कम टारगेट लेकर के चलना होगा। अगर 70% भी अगर सॉल्व हो जा रहा है तो फिर बहुत ही अच्छा है। ओके, ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग पहले आप लोग पढ़ लीजिए उसके बाद शेयर कर दीजिए। और जिस बच्चे को अगर आज के लेक्चर में समझ नहीं आए तो उस बच्चे को मैं यही बोलूँगा कि कम से कम आप हमको 10 दिन कम से कम आप दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर आप किसी और ट्यूटर को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप हमको 10 दिन दीजिए। इतना दिन तो दे ही सकते हैं, उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आने लगेगा। ठीक है, एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन एक दिन में नहीं बन पाता है। स्टूडेंट और टीचर अगर रिजल्ट लाना है तो सबसे ज़रूरी बात है वो है फेथ का। आपको मेरे ऊपर फेथ करना पड़ेगा,
और फेथ एक दिन में नहीं हो पाएगा, आपको कम से कम 10 दिन तो देना ही पड़ेगा ताकि मेरे और आपके बीच में फेथ बन पाए, ठीक है? ओके। और फिर साथ साथ पढ़ाई भी करना है। पढ़ाई तो आप लोग खुद ही करेंगे, मैं तो बस बता दे रहा हूँ, लेक्चर को अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है? तो नेक्स्ट है मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये तो मेरा रिएक्शन को देख करके पता चल जाएगा। जैसे मेरा एसिडिटी हो गया, कितना एच प्लस रिलीज हो रहा है, ये तो देखने से नहीं पता चलेगा ना, जब हम रिएक्शन करवाएंगे तभी जा कर पता चलेगा। नेक्स्ट है मेरा यूनिट। यूनिट जैसे, यूनिट क्या होता है, एक रेफरेंस होता है, जैसे लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, जैसे दिल्ली का दिल्ली और लखनऊ के बीच में कितना कितना दूरी है, कुछ भी मान लेते हैं हम लोग 500 किलोमीटर, ये क्या हो गया, यूनिट हो गया, जो कि इसके अमाउंट को बता रहा है। यूनिट मेरा मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, लेकिन सब एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जैसे जैसे यूनिट चेंज होगा। तो यूनिट मेरा रेफरेंस है, ठीक है? अब मेरा जो बेसिक यूनिट सिंबल है वो 6 फिजिकल क्वांटिटी के लिए, वो मेरा 7 फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफाइन है, ठीक है? जैसे लेंथ का हो गया मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, क्वांटिटी का मोल, मोल कंसेप्ट अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, ठीक है? ये आप लोग को याद रखना होगा, ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है? दोनों जगह ये आप लोग को पढ़ना होगा। फिजिक्स में आप लोग को सिग्निफिकेंट फिगर भी पढ़ना होगा और यहाँ पर भी पढ़ना होगा। किसी एक जगह आप अगर सही से पढ़ पा रहे हैं तो फिर दोनों जगह काम चल जाएगा, ज़्यादा इसमें टेंशन है नहीं। अगर यहाँ पर आप लोग सही से पढ़ पा रहे हैं तो फिर फिजिक्स में वापस पढ़ने का कोई ज़रूरत है नहीं। मैं जो यहाँ पर रूल है उस चीज़ को मैं बता दूंगा। क्वेश्चन करना आपका काम है, क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, पहले चैप्टर कंप्लीट हो जाने दीजिए, क्योंकि दो चीज़ एक साथ नहीं चल सकती है। जो छोटा छोटा एग्जाम्पल है वो मैं यहाँ पर सॉल्व ज़रूर करवाऊंगा, टॉपिक के साथ साथ सॉल्व करवाने का पूरा कोशिश करूँगा। अब जो यहाँ पर फैक्टर है, ये सब चीज़ पूरा अब तो आप लोग को याद नहीं रखना है, लेकिन न्यूमेरिकल में ये सब का एक ही बार न्यूमेरिकल में ये सब का यूज हो जाता है, तो उस टाइम आप अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर हो सकता है आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो। तो इसलिए कुछ चीज़ आप लोग को याद रखना होगा, जैसे फेमटो हो गया, पीको हो गया, नैनो हो गया, माइक्रो हो गया, मिली हो गया, सेंटी, डेसी, ये सब आप लोग को याद रखना होगा। ये सब अगर आप नहीं भी याद रखेंगे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओके। डेका हो गया, किलो हो गया, किलो सब तो आप लोग को याद ही होगा, गीगा, टेरा, पेटा हो गया, यहाँ तक आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है? ऊपर का 3 और नीचे का 3 ये सब आप लोग छोड़ सकते हैं, बुक में भी आप लोग के दिया होगा। ओके। एनसीईआरटी जरूर ही रखिएगा, और ये एक फॉर्मूला है जो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन में कन्वर्ट करने का, ये शुरू से आप लोग देखते हुए आए हैं, इसमें समझाने का कोई बहुत बड़ा बात है नहीं, ठीक है? ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट है, ये मेरा मेल्टिंग पॉइंट है, यही सब चीज़ है। बस रेशियो अगर इस फॉर्म में रहेगा तो फिर आप लोग को याद करने का कोई ज़रूरत है नहीं। ओके। नाउ मेरा नेक्स्ट टर्म आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट नोटेशन। ओके। जैसे मेरा कोई क्वांटिटी हो गया, एक्सप्रेशन हो गया इस तरीके से, तो इसको अब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये तो नहीं है, ये कोई और, इसको कैसे लिखेंगे, या फिर इस अगर इस चीज़ को हटा करके हम लोग लिखते हैं 41,000, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 4.1 इंटू क्या हो जाएगा, 41,000 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ से वन, अगर यहाँ से अगर 10 आया तो ये कैंसिल होकर के पावर 3 हो जाएगा, 41,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, जैसे इस तरीके से मैं समझाया, मैंने समझाया यहाँ पर अगर साइंटिफिक एक्सप्रेशन में लिखना है तो हम लोग को क्या करना होगा, 4.1 करके बाद बाकी को हम लोग को 10 के पावर में रख देना होगा। जैसे यहाँ पर अपॉन में 10 हो गया तो इसमें एक ज़्यादा हो जाएगा, ये कितना 4 अगर 0 है तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे, ताकि एक कैंसिल, एक मेरा कैंसिल हो आउट होकर के यहाँ पर पावर 4 हो जाए। ठीक है, ओके, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो जैसे 175000 ये क्या हो जाएगा, 1.75 इंटू 10 to the power। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेन यही है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इस पॉइंट को हम मैं यहाँ पर से हटाता हूँ तो नीचे 100, ठीक है, अब जो ये 0 होगा उतना में 2 ज़्यादा, तो 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 किस लिए लिखें, ताकि ये जो 5 में से 2 0 मेरा इससे कैंसिल आउट हो जाए और फिर 3 बच जाए। ठीक है, वापस यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, 175, एक बार में समझ नहीं आए तो फिर दोबारा समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पर ही समझ लीजिए, ताकि फिजिक्स में आप लोग को फिर से इस पर टाइम बर्बाद करने का कोई ज़रूरत नहीं हो। ठीक है, यहाँ 1.75 इंटू 10 to the power क्या हो जाएगा, समझने के लिए इसको अभी हम लोग यहाँ पर हटा करके नीचे यहाँ 2 टर्म है डेसिमल के बाद, तो 2 जीरो लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 3 जीरो है, और फिर यहाँ पर अगर 2 जीरो हम लाए हैं तो फिर इसको कैंसिल आउट भी करना होगा, ये तो 3 होगा ही, प्लस इंटू 10 to the power 2। ठीक है, अब डेसिमल फॉर्म में हमको रखना ही है तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ओके, वापस से क्या हो जाएगा, 1.75 इंटू 10 to the power 5। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट है मेरा 0.17, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर से डेसिमल हटाई नीचे लिख दिया, 17 इंटू 10 to the power -2 लिख सकते हैं। ओके, 1.7 इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू 10 लिख सकते हैं, क्योंकि वापस से हमको 17 ही लाना है, इंटू 10 to the power -2, तो ये क्या हो जाएगा, 1.7 इंटू 10 to the power -1 हो गया। बहुत ही सिंपल सा है, जिस बच्चे का भी थोड़ा भी मैथ अच्छा होगा, यहाँ पर मुझे तो समझाने का कोई ज़रूरत है नहीं, वो खुद ही समझ जाएंगे। ये मैं जो मीडियम लेवल के बच्चे हैं उन लोग के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मेरा, ये आप लोग जैसे देख लें, इसमें हम लोग को बस मल्टीप्लाई करना है, और पावर क्या हो जाएगा, 10 का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9 × 6 = 15 - 1 = 14 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 पॉइंट इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 50.82। ठीक है, फिफ्टी पॉइंट एट टू इंटू 10 to the power 14 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसमें इस सब का यूज़ होगा, इसलिए मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करवाने का। ठीक है, ओके, ये भी आप लोग से उम्मीद है सॉल्व हो ही जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 7.7 / 6.6 और 10 to the power क्या हो जाएगा, 9 - 5 कर देंगे, ये तो मेरा 10 to the power 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू 7/6, तो क्या हो गया, 1 पॉइंट, फिर एक हो गया, फिर 6 × यही हो गया मेरा आंसर। ओके, ठीक है,
अब नेक्स्ट है मेरा सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिसीजन और फिर एक्यूरेसी। ये दोनों टर्म हर बच्चा लगभग सुना होता है लेकिन कंफ्यूज रहता है कि दोनों है क्या। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं यहाँ डायग्राम लेकर के आया हूँ ताकि आपका एक ही बार में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए आजीवन ज़िंदगी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं चार फिगर है मेरे पास, चारों में कुछ कुछ चेंज है। यहाँ पर जो है मेरा जैसे ये क्रॉस जो है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, लगना कहाँ चाहिए, क्रॉस मेरा आना कहाँ चाहिए, यहाँ पर बीच में, ठीक है, इस बीच में मेरा क्रॉस आना चाहिए। लेकिन सब क्या है, अलग अलग है। तो एक्यूरेसी तो बिल्कुल नहीं है, एक्यूरेसी है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत दूर दूर मेरा क्रॉस गया है। और प्रिसीजन क्या है, बिल्कुल नहीं है। प्रिसीजन मतलब क्लोजनेस होता है, ठीक है, प्रिसीजन का मतलब क्लोजनेस होता है। जैसे यहाँ पर ऊपर में मैंने यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा मैं डिफाइन नहीं करता, जो मैं जो अच्छा टर्म है जो मेन टर्म है उस टर्म को मैं लिखने का कोशिश करता हूँ ताकि चीज़ याद हो जाए। ज़्यादा लंबा डिफिनेशन रहेगा तो फिर उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा और उससे किसी का बेनिफिट है नहीं। चीज़ कोशिश करेंगे हम लोग समझने का और फिर अगर डिफिनेशन का बात आए तो फिर हम लोग बहुत ही कम चीज़ लिखने का कोशिश करेंगे, जो मेन टर्म है उस टर्म को लिखने का कोशिश करेंगे। तो प्रिसीजन क्या हो जाएगा, क्लोजनेस बस। एक्यूरेसी क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू नंबर दीज एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्लोजनेस हम लोग देखेंगे, ठीक है, कितना अच्छा। प्रिसीजन मेरा क्लोजनेस हो गया, एक्यूरेसी हमें हम लोग एवरेज वैल्यू देखेंगे, ठीक है। अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें दो तरह का वैल्यू आया और एक्यूरेट वैल्यू मेरा जैसे चार है, तो इस दोनों का एवरेज अगर चार हो जा रहा है तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो जैसे यहाँ पर एक टर्म है, ये जो है मेरा ये 0.1 मेरा क्या है, एरर है। 12.8 जो है, 12 मेरा क्या है, सर्टेन डिजिट है, मतलब ये तो मेरा फिक्स रहेगा। अब 0.8 में देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 0.1 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, 12.7 भी हो सकता है, 12.9 भी हो सकता है, ओके, लेकिन 12 तो होगा ही, मतलब 12 क्या है, 12 मेरा सर्टेन डिजिट है, ठीक है। और फिर 0.8 मेरा क्या है, 8 मेरा क्या है, अनसर्टेन डिजिट है, और 0.1 मेरा एरर है, ठीक है, ओके। सिंपल सा टर्म है, बस हम लोग को एक बार समझ जाएंगे तो चीज़ आसान हो जाएगी। तो अभी हम लोग देखें प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी। तो इस चारों फिगर में हम लोग अगर एक्यूरेसी का बात करेंगे, सॉरी क्लोजनेस हो गया, प्रिसीजन मतलब क्लोजनेस, एक्यूरेसी तो अलग टर्म है। तो अगर प्रिसीजन का अगर बात करेंगे तो इसमें हाई प्रिसीजन किस में है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तो सारा क्रॉस क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रिसीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं तो सारा क्रॉस क्या है, एक ही जगह बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो यहाँ पर भी मेरा हाई प्रिसीजन हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को, यहाँ पर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम से ही ज़्यादा कंसेप्ट मेरा क्लियर होता है और वो ऑनलाइन पढ़ाई में ही हो सकता है, ऑफलाइन पढ़ाई में उतना ज़्यादा डायग्राम का सही से यूज़ नहीं हो पाता है, डेफिनेशन का ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए अगर ऑनलाइन पढ़ाई आप कर रहे हैं तो इसी का यूज़ अच्छे तरीके से यूज़ करने का कोशिश कीजिए। सबका प्रोज एंड कॉन्स है, यहाँ पर भी है, यूट्यूब पर ज़्यादातर अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो फिर हो सकता है कोई नया सा TVF का वीडियो आ जाए तो स्टूडेंट वहीं देखना पसंद करेगा, लेक्चर तो सोचेगा बाद भी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं और इसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाए तो एक लिंक मेरा क्या हो जाता है, टूट जाता है, वापस से वो लिंक गेन होने में टाइम लग जाता है और सही से पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो उस टाइम टीचर का कोई दोष नहीं है, वहाँ पर स्टूडेंट का ही गलती है, ठीक है। तो इस सब चीज़ को हम लोग को देखना होगा और खुद से थोड़ा डिसिप्लिन रहना होगा,
ठीक है, तभी जा कर के आप सक्सेसफुल हो पाइएगा और एग्ज़ाम क्रैक कर पाइएगा। ज़्यादा टफ है नहीं, बस जो थोड़ा ही कम ही टाइम का मैं लेक्चर बनाता हूँ, एक घंटा का तो बनाता भी नहीं हूँ, आधा घंटा का ही बनाता हूँ, 20 मिनट 30 मिनट इसी तरीके से। तो जैसे यहाँ पर, यहाँ क्या है, प्रिसीजन मेरा लो है क्योंकि थोड़ा अलग अलग यहाँ पर है, यहाँ पर तो और भी ज़्यादा है, तो इसमें हाई प्रिसीजन है, मतलब लो प्रिसीजन हो गया। ठीक है, अगर एक्यूरेसी का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कहाँ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, हाई एक्यूरेसी। यहाँ पर टारगेट मेरा ये है और फिर कहाँ एरो कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है तो लो एक्यूरेसी हो जाएगा। यहाँ पर भी मेरा हाई एक्यूरेसी है, यहाँ पर हाई एक्यूरेसी है, यहाँ पर भी मेरा लो एक्यूरेसी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा ये सब चीज़। अब कुछ रूल है सिग्निफिकेंट डिजिट का, यहाँ पर हम लोग जैसे देख ले रहे हैं तो 303 ये क्या हो जाए, इसमें मेरा अगर सिग्निफिकेंट डिजिट बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3 मेरा क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट है। ओके, और अगर ऑल नॉन जीरो डिजिट, जीरो को छोड़ के बाद बाकी सारा डिजिट मेरा क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये रूल आप लोग को ध्यान रखना होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। ओके, अगर 1200 मेरा एग्जांपल दिया हुआ है तो 12 के बाद आने वाला सारा मेरा जीरो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ट्रेलिंग जीरो, इसलिए इसको बोला गया। आर ओनली सिग्निफिकेंट इफ देयर इज ए डेसिमल पॉइंट और बार एबव जीरो। ठीक, नेक्स्ट है मेरा लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट, जैसे 00 अगर 12 लिख दिया गया तो ये मेरा क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, बस 12 हो जाएगा। ओके, तो ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, नीट में आ जाता है, मेंस में भी आ सकता है, यहाँ पर रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। और अभी तो स्टार्टिंग फेज है बहुत बच्चे का, तो यहाँ पर कोशिश कीजिए कि अपनी एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा हाई रखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और इससे तो आपका दो जगह काम आ रहा है, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, तो आप लोग को तो ये पढ़ना ही चाहिए, ऐसा बहुत कम ही टॉपिक है 11th 12th में जो दो तरीके से काम आ जाता है। ओके, नेक्स्ट मेरा एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनडेफिनिट अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे मेरा 12 है तो ये इसके पास इनडेफिनिट अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12.00, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ जाएगा, 4, एक और जीरो लगा देंगे 5, ऐसे करके लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है मेरा राउंडिंग ऑफ, ये तो हम लोग 5 में भी पढ़े थे लेकिन कुछ यहाँ पर चेंज है जिसके कारण फिर से मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। जैसे ये दो चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे, ग्रेटर देन अगर 5 है तो फिर इंक्रीज कर दो 1 से, लेस देन 5 है तो फिर डिक्रीज कर, डू नॉट चेंज द लास्ट डिजिट। एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, समझने में कोई दिक्कत होगा नहीं, करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे तो आप लोग का ही बेइज्जती होगा। कोशिश करेंगे कि टाइम का सही तरीके से यूज़ हो, और वीडियो के बीच में जो भी मैंने चीज़ बोला है ये सब आप लोग के पढ़ाई का एक हिस्सा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई की ही बातें हों, कुछ चीज़ जो कि आप लोग को मोटिवेट कर सके और एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके वो भी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर, अगर हो सके तो मैं लाने का पूरा कोशिश करूँगा, भले वीडियो लंबा खिंचाए उससे कोई मतलब नहीं है, एनर्जी आपका मेंटेन रहना चाहिए आपके कंपटीशन के तरफ। ठीक है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए। ओके, अगर मेरा 5 है और फिर फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, इंक्रीज द लास्ट डिजिट बाय 1, जैसे यहाँ पर 5 है और उसके बाद क्या है 3.7851, तो ये क्या हो जाएगा 375785, इससे तो बड़ा है तो इसमें हम लोग एक ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अगर मेरा 5 है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, लास्ट डिजिट मेरा क्या है 5 है और इससे पहले मेरा क्या है 3 है, तो अगर 5 से पहले मेरा कोई ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें हम इंक्रीज करेंगे बाय 1, अगर इवन आ रहा है तो फिर उसमें इंक्रीज नहीं करेंगे, इवन में हम लोग इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, वापस से मैं बता रहा हूँ, ऑड में हम लोग
इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और इवन में नो चेंज, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पर ऑड है तो फिर 3, 2.84, यहाँ पर इवन है तो यहाँ पर वैसे ही रह जाएगा, ओके। अब कुछ रूल है बस यहाँ पर लास्ट है आप हम लोग का। एडिशन में हम लोग क्या करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एडिशन, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, इसको अगर इस तीनों को अगर हम लोग ऐड किए तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, 12.32। लेकिन यहाँ जो 12.3 होगा इसमें डेसिमल के बाद हम लोग को ध्यान देना होगा, उतना ही डिजिट हम लोग लेंगे जितना एज नंबर कैरिंग मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू द राइट। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर के, सबसे कम डिजिट किसके पास है, कितना सबसे कम डिजिट है, जैसे इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ठीक है, इसमें डेसिमल के बाद दो है, इसमें दो है, तो सबसे कम कितना है, एक। तो यहाँ पर 12.3 है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट रहना चाहिए, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से सॉल्व हो समझ में आता है हम लोग को। जैसे यहाँ पर 3.56 माइनस 0.031, ये वैल्यू क्या आ गया, 3.529, ओके। तो यहाँ पर भी वही केस हो जाएगा, डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किसके पास है, 0.56 के पास दो है, और इसमें 0.031 मतलब तीन हो गया, तो दो मेरा सबसे कम है, तो यहाँ पर इसको कम करके हम लोग 3.53 लिख देंगे, ओके, 3.53 लिख देंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन का बात होगा तो उसमें सबसे कम डिजिट फाइनल रिजल्ट हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट एज नंबर विथ लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ऊपर वाले के पास दो नंबर का मल्टीप्लाई है, तो इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरा 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें मेरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा उसमें 3 मेरा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो फाइनल क्या है, ये रिजल्ट है, इसमें मेरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। समझ में आया, ओके, अगर समझ में आया तो फिर ये मेरा, ये आप लोग का एक होमवर्क है, ठीक है, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मेरा डिवीजन का एक एग्जांपल है, बस यहीं समझ करके इसको सॉल्व कर लीजिए, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर शेयर कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो अभी का जो टाइम है यूट्यूब पर, वो तो वीडियो आप अगर अच्छा व्यूज होगा तभी बच्चे पढ़ना भी पसंद करते हैं, तो इसलिए व्यूज़ अगर बढ़ेगा तो फिर ही मैं मोटिवेट होकर के मैं चैनल बना पाऊँगा और फिर और भी बच्चे देख पाएंगे, तो इसका इसलिए आपका भी रोल यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है। पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर चैनल को अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ओके।